Dear students, today we will discuss new topic that is reproduction in animals. Reproduction in animal. Reproduction in animals की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? Reproduction in animals की बात करते हैं. Dear students, reproduction in animal में हम mammalian reproductive system की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? Mammalian reproductive system की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? Mammalian reproductive system की बात करते हैं. So, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मेल और फीमेल के करेक्टर की बात करेंगे. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, एक्सटर्नल सेक्सुअल करेक्टर की बात करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम लोग मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे सेक्स. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. देन हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्सुअल बिहेवियर की. एक्सटर्नल सेक्सुअल बिहेवियर की बात करेंगे. ठीक है ना, एक्सटर्नल सेक्सुअल करेक्टर की बात करेंगे. ठीक, किसकी बात करेंगे? करेक्टर की बात करेंगे. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो सेक्स ऑर्गन, ठीक, सेक्स पहले बात करेंगे किसकी? मेल की. किसकी बात करेंगे? मेल की. देन हम बात करेंगे किसकी? फीमेल की. तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस. क्या बोलते हैं? टेस्टिस. और यहीं पे जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी. क्या बोलते हैं? ओवरी. तो मेल में टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है. ठीक, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो जो मेल में होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. तो जो मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. सेमिनल विस्केल होते हैं इसमें. सेमिनल वेसिकल्स होते हैं. वास डिफरेंस होता है. एपिडिडाइमिस होता है और पेनिस होता है. ठीक, और यहीं पे जो इसके एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा? बियर्ड आएगा, लो पिच्ड वॉइस आएगा. क्या आएगा? बियर्ड आएगा, लो पिच्ड वॉइस आएगा. क्या आएगा? लो पिच्ड वॉइस आएगा. तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है इसका प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें आते हैं. सेमिनल वेसिकल्स आते हैं. वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, पेनिस आते हैं. ठीक, एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें बियर्ड आएगी और लो पिच्ड वॉइस. ठीक है ना, आवाज़ मोटी होती है. ठीक, तो हम अगर फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ओवरी होगा. इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं इसमें फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस. तो आगे देख लेते हैं. फीमेल की जब हम बात करेंगे, किसकी? फीमेल सेक्स की बात करेंगे तो इसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा? ओवरी होगा. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो इसका होगा इसमें क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब आएगा, यूट्रस आएगा. फैलोपियन
ट्यूब्स आएंगे, यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, मैमरी ग्लैंड होता है, यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, मैमरी ग्लैंड होता है, ठीक, मैमरी ग्लैंड होता है। इसके एक्सटर्नल सेक्सुअल करेक्टर की बात करते हैं, इसकी हाई पिच्ड वॉइस होती है, आवाज़ पतली होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है, और क्या होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है। इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, नो फेशियल हेयर, नो फेशियल हेयर, फेस पे बाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फीमेल सेक्स में हमने बात किया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की ओवरी होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब आते हैं इसमें, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, मैमरी ग्लैंड आता है। एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं तो हाई पिच्ड वॉइस होता है, ब्रेस्ट और नो फेशियल हेयर्स होते हैं, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हमने बात किया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात किया, एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर की बात किया। देर हम आगे बात करते हैं, देन हम आगे बात करते हैं टेस्टिस की। किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की, आइए देखते हैं। टेस्टिस, टेस्ट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम टेस्टिस की बात, किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे। तो टेस्टिस जो होता है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात इसकी होती है, यह प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस पाया कहा जाता है, तो टेस्टिस जो होता है लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल, लोकेटेड आउटसाइड द, आउटसाइड द एब्डोमिनल स्क्रोटम, एब्डोमिनल स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल स्क्रोटम, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि मैच्युरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्युरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्युरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो मैच्योरेशन होती है उसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। डेट लो टेम्परेचर इज 2 to 2.5 degrees Celsius, 2 to 2.5 degrees Celsius का होता है, ठीक है ना। देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो टेस्टिस होता है ये प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल स्क्रोटम, ठीक है। बिकॉज मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर लो टेम्परेचर, ठीक है ना, स्पर्म रिक्वायर, आप कह सकते हैं रिक्वायर लो टेम्परेचर, डेट इज 2 to 2.5 degrees Celsius, 2 to 2.5 degrees Celsius, देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। हम आगे बात करते हैं इसका, स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम जो होता है वह कम्युनिकेट्स करता है किसको, स्क्रोटम जो होते हैं किसको कम्युनिकेट करते हैं, तो स्क्रोटम कम्युनिकेट विद एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, स्क्रोटम कम्युनिकेट विद एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कम्युनिकेट किसको कम्युनिकेट करेंगे, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, किसके थ्रू, इंजुआइनल कैनाल, इंजुआइनल कैनाल, इंजुआइनल कैनाल, इंजुआइनल कैनाल। तो स्क्रोटम कम्युनिकेट विथ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंजुआइनल कैनाल, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं,
आगे करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन तक। तो इसमें बात करते हैं अब स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी अकर ड्यू टू स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी अकर्स ड्यू टू किसके थ्रू होता है स्टेरिलिटी अकर ड्यू टू, तो क्रिप्टोसिजम, क्रिप्टो, क्रिप्टो चिप्सिम, क्रिप्टो चिप्सिम, ठीक। तो हिडन टेस्टिस होता है इसमें, हिडन टेस्टिस होता है, ठीक। क्रिप्टो चिप्सिम कंडीशन में टेस्टिस हिडन होता है, सो नॉन डिसेंट ऑफ, नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम, सो नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस, नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, इनटू स्क्रोटम, इनटू स्क्रोटम, नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम ड्यू टू लैक ऑफ एफएसएच, ड्यू टू लैक ऑफ एफएसएच प्लस टेस्टोस्टेरोन, प्लस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, तो ड्यू टू लैक ऑफ एफएसएच प्लस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आर्चीडेक्टोमी की बात करेंगे हम लोग, आर्चीडेक्टोमी की बात करेंगे, आर्चीडेक्टोमी कंडीशन में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, आर्चीडेक्टोमी में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिस को सर्जिकल करके इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस आर्चीडेक्टोमी, आर्चीडेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। देन आगे बात करते हैं इसकी, टेस्टिस इनक्लोज्ड बाय कैप्सूल कॉल्ड क्लिनिका एल्बुमिना, टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है इनक्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड बाय, किससे इनक्लोज्ड होता है, टेस्टिस इनक्लोज्ड बाय कैप्सूल, कैप्सूल कॉल्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिका एल्बुमिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लिनिका एल्बुमिना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लिनिका एल्बुमिना बोलते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं इसकी, तो इसमें इस टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, आप कह सकते हैं इच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोबूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। तो इस टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल। देन हम टेस्टिस की बात करते हैं आगे, टेस्टिस की बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि लीडिंग सेल्स में पाए जाते हैं, टेस्टिस में क्या क्या पाया जाता है, लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, टेस्टिंग लेडिंग सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है, सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है अंडर आईसीएच, अंडर आईसीएच, आईसीएच हार्मोन के अंडर में एक सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल्स, सेमी फेरस ट्यूबुल जिसमें होते हैं, सेमी फेरस ट्यूबुल्स होते हैं, इसमें जो सेमी फेरस ट्यूबुल्स होते हैं ये स्टूडेंट्स, ये स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, स्पर्म,
स्पर्म को फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं अंडर FSH में, अंडर FSH में कंडीशन में इसको फॉलो करते हैं। देन सर्टोली सेल्स होती है इसमें, सर्टोली सेल्स होती है या सस्टेनकुलर सेल्स होती है, सस्टेनकुलर सेल्स होती है या इसको बोलते हैं नर्स सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं नर्स सेल्स बोलते हैं। ये जो नर्स सेल्स होती है इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। नर्स सेल्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन, सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स, सस्टेनकुलर सेल्स, तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं इसका क्या काम होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, नरिश करेगा स्पर्मेटोजोआ को नरिश करेगा, किसको स्पर्मेटोजोआ को नरिश करता है, ठीक है ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोड्यूस इनविन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम इमेच्योर सेल, क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा किसको स्पर्म को फ्रॉम इमेच्योर सेल से, प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर सेल्स इसको क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा, सीक्रेट एंटी मुलेरियन फैक्टर, और क्या करेगा सीक्रेट्स एंटी मुलेरियन फैक्टर्स, सीक्रेट एंटी मुलेरियन फैक्टर जो क्या करता है इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल डक्ट, जो क्या करता है इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल डक्ट, इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल डक्ट, इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल डक्ट, इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल डक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने इम्पोर्टेंट बातें की, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात किया, जिसमें हमने मेनली मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया, हमने देखा कि यहाँ पे जो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है, जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, देन उसका जो एक्सटर्नल सेक्सुअल करेक्टर होता है उसकी हमने बात किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया, टेस्टिस की हमने डिटेल में यहाँ पे बात किया, हमने देखा कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू।